हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष होकर नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। न्यायिक प्रणाली लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो लोगों की स्थिति की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से काम करती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि न्यायिक प्रणाली को स्वतंत्र होने की आवश्यकता क्यों है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मन में आत्मविश्वास और निडरता लाती है। आम आदमी अपनी सुरक्षा और निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका पर भरोसा करता है। लोग अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं अगर उनके अधिकार सुरक्षित ना हो और उन्हें कोई स्वतंत्रता ना हो। न्यायपालिका को नागरिकों के हितों का ध्यान रखती है। बच्चों, एक सवाल यहाँ पर दोहराते हैं, क्या आप सरकार के अन्य दो अंगों के बारे में बता सकते हैं? सरकार के अन्य दो अंग हैं विधायिका और कार्यपालिका। देश के लोग कार्यपालिका और विधायिका की तुलना में न्यायपालिका पर ज्यादा निर्भर होते हैं। लोगों को न्यायिक संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा उनका जीवन दयनीय हो सकता है। आम लोगों की नजर में न्यायपालिका उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका लोगों की नजर में महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सरकारी अंगों के विपरीत ये लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। ये संविधान की रक्षा करती है, किसी भी राज्य और केंद्र के विवादों को हल करती है। ये सत्ताधारियों के द्वारा शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल से लोगों को बचाती है। ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, जो कि निष्पक्ष न्याय दिलाने और कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में कर्तव्य निष्ठ हो। न्यायपालिका तभी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है जब वो कार्यपालिका और विधायिका की तुलना में स्वतंत्र रूप से काम करे। न्यायपालिका अपना काम तभी कर सकती है जब वो कानून के तहत न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो। सुसंगठित और स्वतंत्र हुए बिना ये कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका को इस तरह से संगठित किया जाना चाहिए कि वो न्यायाधीशों को बिना किसी डर या पक्षपात के फैसला देने में सक्षम बना सके। संविधान में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है और इसके तहत विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालतें किसी सरकार के अधीन नहीं होती हैं, अपने तरीके से काम कर सकती हैं। इस तरह वे लोगों को निष्पक्ष फैसला देने में सक्षम है। बच्चों, इसलिए हम किताबों में पढ़ते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन असल जिंदगी में क्या आपको लगता है कि वे निष्पक्षता से काम करते हैं? अगर नहीं, तो क्या आप कोई वास्तविक जीवन का उदाहरण दे सकते हैं? न्यायपालिका अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर सकती है जब उच्च योग्य और अनुभवी न्यायाधीश हों। न्यायपालिका को लोगों के अधिकारों की रक्षा और न्याय पाने के लिए पूर्ण निष्पक्ष और कम खर्चीले अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश की नियुक्ति निष्पक्ष, व्यवस्थित और प्रभावी होनी चाहिए। न्यायाधीशों को उच्च वेतन, आवश्यक भत्ता और अच्छा सरकारी घर दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित सेवानिवृत्ति लाभ मिलने चाहिए। इस प्रकार मामलों के उचित और अच्छे प्रबंधन के लिए स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का एक उचित संगठन जरूरी है। न्यायपालिका स्वतंत्र होने पर ही वो अपने काम को सर्वोत्तम तरीके से कर सकती हैं। अब आप बताइए कि भारत में स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें आपको लगा हो कि न्यायालय की ओर से पक्षपात किया गया है? इस वीडियो में आज हमने जाना कि समाज में न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता किस तरह जरूरी है। हमने उच्चतम योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता के बारे में भी जाना। अगले वीडियो में हम भारत में अदालतें किन स्तरों पर विभाजित हैं ये जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए।